क्या जदयू में सब कुछ ठीक नहीं है? क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ये मन बना ही लिया है कि ललन सिंह को अब जदयू से बाहर की रास्ता दिखाया जाए? क्या जदयू में अंदरूनी मामला जो है गड़बड़ चल रही है? इन तमाम सवालों का जो है जवाब आपको मिल जाएगा आज हमारे पीछे एक पोस्टर जो लगा हुआ है इनके माध्यम से, क्योंकि ये जो पोस्टर लगा हुआ है जननायक कर्पूरी ठाकुर शताब्दी समारोह, इसका पोस्टर लगा हुआ है, यानी कि कल जो है 24 जनवरी को पटना के वेटनरी कॉलेज मैदान में जो है जनता दल यूनाइटेड की तरफ से एक कार्यक्रम रखा गया है शताब्दी समारोह का, यानी कि कर्पूरी ठाकुर जी जो है जिसे जननायक कहा जाता है उनकी जयंती को जो है ये लोग कर्पूरी ठाकुर शताब्दी समारोह के रूप में मना रहे हैं, और इन्हीं का पोस्टर जो है बीजेपी कार्यालय के ठीक सामने लगा है, और इस पोस्टर में ललन सिंह का जो है फोटो नहीं है, यानी ललन सिंह इस पोस्टर से गायब है, लेकिन अशोक चौधरी जो है उनका पोस्टर इसमें लगा हुआ है। साथ ही साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ जो है प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा का भी फोटो लगा हुआ है, लेकिन बड़ा सवाल यहाँ पे उठता है कि ललन सिंह इस पोस्टर से गायब है, क्या नीतीश कुमार जो है ललन सिंह से नाराज चल रहे हैं? देखिए कुछ दिन पहले जो है ये खबर आ रही थी कि ललन सिंह जो है वो आरजेडी के संपर्क में है, कई सारे ऐसे मीडिया चैनल है जिन्होंने इस खबर को भी चलाई थी कि ऐसा हो रहा है कि आरजेडी वाले जो है वो ललन सिंह को अपनी तरफ करने में लगे हैं, ललन सिंह हो सकता है कुछ विधायक को तोड़ करके आरजेडी के साथ जो है सरकार बना ले, मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को बना दें। ऐसे में जो है नीतीश कुमार को इस बात का जो है भड़क लग गया और उन्होंने समय रहते जो है ललन सिंह से जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद जो है अपने हाथ में ले लिया, यानी कि खुद वो नेतृत्व करने लगे, और ललन सिंह जो है उस दिन से बहुत सारे पोस्टर में नजर नहीं आ रहे थे, लेकिन आज बड़ा सवाल है कि इतने बड़े कार्यक्रम है लेकिन इस कार्यक्रम में ललन सिंह का पोस्टर नहीं होना, यानी बैनर में ललन सिंह का जो पोस्टर गायब होना कहीं ना कहीं इस बात की ओर इशारा कर रहा है, इस बात की ओर संकेत दे रहा है कि जदयू में सब कुछ ठीक नहीं है और ललन सिंह जो है वो जदयू से कभी भी बाहर हो सकते हैं। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं पटना से कि किस प्रकार से जनता दल यूनाइटेड के पोस्टर से ललन सिंह की तस्वीरें गायब हो गई है, यानी कि अब जो है जनता दल यूनाइटेड में कहीं ना कहीं ललन सिंह का जो महत्व है वो कम हो जा रहा है, कम हो रहा है, लेकिन जो है अशोक चौधरी जो है यानी भवन निर्माण मंत्री उनका कहीं ना कहीं कद बड़ा हो रहा है, क्योंकि अशोक चौधरी एक अकलौते ऐसे शख्स हैं जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उमेश कुशवाहा के बाद उनका जो है पोस्टर लगाया गया, यानी फोटो इस बैनर में लगाया गया। फिलहाल देखने वाली बात होगी कि ललन सिंह इस जो है पोस्टर वार के बाद वो क्या कुछ एक्शन लेते हैं, पोस्टर में उसका फोटो नहीं रहने के बाद ललन सिंह क्या प्रतिक्रिया देते हैं, तो हमें आने वाले समय बताएगा। इस खबर में इतना ही, आगे खबरों को देखते रहे लाइव बिहार। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।